नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर सनसिटी लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम मौसम समाचार 16 जून 2023 के बारे में जानेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज मौसम राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वीडियो को अंत तक देखे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें ताकि आपको मौसम विभाग की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखें, जिले वार पूरी जानकारी दी गई है। आज तूफान किस प्रकार रहेगा, किन जिलों में आज भारी बारिश देखने को मिलेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोपहर के बाद राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर या जिलों में बारिश होने की संभावना है। आज राजस्थान के मौसम के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब सबसे पहले उत्तर पूर्वी राजस्थान के बारे में मौसम को जानेंगे। आज अजमेर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर में कोई चेतावनी नहीं है। बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलेगी। बारा में कोई चेतावनी नहीं, भरतपुर में कोई चेतावनी नहीं। भीलवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहाँ भारी बारिश व हल्की बारिश की मध्यम गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना, जहाँ पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर रहने की संभावना है। जैसे चित्तौड़गढ़ में भी आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। दौसा धौलपुर में कोई चेतावनी नहीं। डूंगरपुर और जयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहाँ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर रहने की संभावना है। जयपुर में भी हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रहने की संभावना है। यहाँ पर मेघ गर्जन व वज्रपात झोंकेदार तेज हवाएं चलने की संभावना है। और जयपुर में बता दिया गया, झालावाड़ में कोई चेतावनी नहीं है। झुंझुनू में मेघ गर्जन वज्रपात तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर चलने की संभावना है। करौली और कोटा में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई मौसम विभाग द्वारा। आज यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना है करौली कोटा में। अब प्रतापगढ़ में भी आज मौसम येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजसमंद में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहाँ भारी बारिश व मेघ गर्जन और वज्रपात झोंकेदार तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर, यहाँ पर तूफान का असर देखा जाएगा। यहाँ पर आज तूफान आने की संभावना है। राजसमंद में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर आज दोपहर के बाद भारी बारिश व मेघ गर्जन के साथ अंधड़ आने की संभावना है। सवाई माधोपुर में आज मौसम साफ रहेगा, सिकंदर मौसम साफ रहेगा। सिरोही में आज अति भारी बारिश से मेघ गर्जन व वज्रपात तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर चलने की संभावना है। यहाँ पे आज भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर रहने की संभावना है। यहाँ पर तूफान का असर रहेगा। टोंक में मौसम साफ रहेगा। उदयपुर में अति भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात झोंकेदार तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर रहने की संभावना है। उदयपुर में भी आज मौसम का असर देखा जाएगा। यहाँ पर आज दोपहर के बाद भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बारे में जानेंगे। आज बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा मेघ गर्जन व वज्रपात झोंकेदार तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर चलने की संभावना है। जालौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागौर में कोई चेतावनी नहीं। पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। आज रेड अलर्ट पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, उदयपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा। आप सभी सावधान जरूर रहे, आने वाला मौसम में और बदलाव देखा जा रहा है। तूफान के कारण कल राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और कल दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला था। अब विस्तार से जानेंगे जिलेवार मौसम को। गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बालाकोट, झालावाड़ में यहाँ मौसम साफ रहेगा। और येलो अलर्ट के बारे में बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट जैसलमेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट है बाड़मेर, जालौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर हवा की गति 60 से 65 किलोमीटर रहने की संभावना है। यहाँ पर आज भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश होगी। जैसलमेर में भी आज भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर में भी कल बारिश की गतिविधि देखने को मिली थी। पाली में बारिश की गतिविधि देखने को मिली थी। आने वाले समय में और मौसम में
बदलाव देखा जाए पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के सभी जिलों में बारिश की रुकती लगातार जारी है, जिसके कारण कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज किया गया और काफी जिलों में आकाश से बिजली से लोगों की मौतें हुई है और सभी सतर्क रहे। बाद में पुलिस द्वारा सूचना जारी की गई है, आगामी 16 और 17 जून को भीपू जो तूफान व भारी वर्षा बाढ़ में पड़ने की संभावना होने से सभी सतर्क रहे और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले। मौसम विभाग प्रशासन व पुलिस द्वारा दिए गए चेतावनी सावधानियों और निर्देशों का पालन करें। घूमने फिरने और भ्रमण वाले स्थानों और तालाब झील झील बांध के आसपास नहीं जाए। घरों में इमरजेंसी लाइट और मोबाइल फोन पूर्णतः चार्ज व चालू हालात में रखें। टीवी समाचार पत्र व सोशल मीडिया से लगातार संपर्क में रहे और प्रसारित संदेशों को सुने। आंधी तूफान और बारिश के दौरान बड़े वर्ष और पुराने दर्जन मकानों कच्चे मकानों व होर्डिंग इत्यादि के नीचे संरक्षण न लेवे। बाड़ों में रखे जाने वाला पालतू पक्षी व गाय भैंस आदि को तूफान के दौरान बिजली के पोल बंद करना रखे। किसी भी तरह की सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण को देवे। आने वाले दिनों में आपको और सटीक तक सब हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाएगी। लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में, जय भारत।